Now we are going to learn the Apollonius theorem. Apollonius theorem, it will be help to us finding the values of sides of given triangles. So let's see. Apollonius theorem. Okay, this theorem we will be understand by the given statement. We are given a statement in triangle ABC, comma, if M is the midpoint of side BC, comma, then AB square plus AC square is equal to 2AM square plus 2BM square. So let's see in the given statement what we have given in triangle ABC. You have given in the figure also. Suppose it is a ABC triangle and it has, you have given like a M is the midpoint of side BC. So BC, its midpoint, suppose if you consider here. So the line AB segment, it is M point, it is a midpoint of BC. It's meaning these two segments are equal to each other. Then we have to prove AB square plus AC square is equal to 2 times AM square plus 2 times BM square. So like this, if it is a diagram you have given, we have to prove the above statement. देखिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब क्वेश्चन दिया जाता है तो स्टेटमेंट नहीं दिया जाता, आपको एक फिगर दी जाती है, उसके इन्फॉर्मेशन कुछ वैल्यू गिवन दी जाती है और आपको कोई ना कोई तो एक फाइंड वैल्यू करनी पड़ती है। तो अभी इसके अंदर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है। सो अब हम कोई भी, जब भी कोई थ्योरम होता है, जब हम उसे एक्सप्लेन करते हैं या समझते हैं, तो उस समय हम उस डायग्राम को अच्छी तरीके से पहले समझ लेते हैं। तो देखिए अभी ये जो है, ये अबव स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है, तो हम इस डायग्राम को देखकर या और ऊपर से हमारा ये जो चैप्टर है ये पाइथागोरस थ्योरम है, तो पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर में ये तो 100% फिक्स है कि वहाँ पे एक तो भी राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए चाहिए। तो क्या आपको इस ट्रायंगल को देखकर लग रहा है कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है? नहीं है। तो ओके, वी कैन कंस्ट्रक्ट। सो इफ वी कंस्ट्रक्ट अर अल्टीट्यूड फ्रॉम ए पॉइंट टू ऑन बी सी लाइन विच इज अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन बी सी एंड इफ वी कंसिडर दिस इज डी पॉइंट। सो नाउ लुक एट हियर, इन दिस फिगर वी कैन सी एज अ प्रीवियस टू एग्जाम्पल वी हैव लर्न इन द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। So that theorem has like a same one triangle is there ABC, and ABC triangle has the both angle are acute angle. After that also like that a triangle AMB, okay, which has a one is a obtuse angle triangle because it is a more than 90 degree, correct? So those property we can use here which we have learned in the previous video, otherwise previous point, that is the application of Pythagoras theorem. So we have to first of all write down as a like a statement theorem. So we have given, हमें जो given है question में क्या given है, in triangle ABC and M is a midpoint
of side BC. Correct. This much statement is given in our question. After that, what we have to prove? To prove. हमें prove क्या करना है? हमें prove करना है AB square plus AC square is equal to 2AM square plus 2BM square. So while proving this, we have to consider the different two triangles, then it will be easily we can prove. देखिए जिस तरीके से हम एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम को समझ सके हैं, उसको सॉल्व कर चुके हैं, वहीं अभी हमें यहाँ पे यूज़ करना है. और आप स्टूडेंट ने बहुत अच्छे तरीके से आई होप समझा होगा. मैंने आपको उसको 5-5 times लिखने को भी बोला था, तो आपने उसको बहुत गौर से अच्छे तरीके से किया होगा. और कुछ स्टूडेंट का मुझे उसका होमवर्क भी जल्दी से मिला, तो इसका मतलब है आपको ये समझ चुका है. तो अभी देखिए आगे आपको यहाँ पे करना क्या है. तो अगर हम पहले ट्रायंगल ABC ये ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, या फिर AMC ये एक ट्रायंगल है और AMD ये दो ट्रायंगल है. तो अगर हम दो अलग अलग ट्रायंगल कंसिडर करेंगे और उनकी एडिशन करेंगे, हो सकता है हमारा आंसर हमें जल्दी मिलेगा. तो देखिए पहले अगर हम ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, ट्रायंगल कंसिडर ट्रायंगल AMC, तो AMC ट्रायंगल है. तो AMC ट्रायंगल जो है, ये देखिए सी एंगल एक्यूट एंगल है, एम एंगल भी एक्यूट एंगल है. तो पहले वाला जो एग्जांपल है एक्यूट एंगल का एग्जांपल, वो अब हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. देखिए अगर आपने सी एंगल को अगर एक्यूट एंगल कंसिडर किया, तो उसके सामने वाली साइड कौन सी है? एम स्क्वेयर, करेक्ट, या फिर सो नाउ वी आर गोइंग टू कंसिडर द ट्राइंगल AMC. हियर सी एंगल ऑल्सो एक्यूट एंगल, एम एंगल ऑल्सो एक्यूट एंगल. सो इफ वी कंसिडर एंगल एम, अदरवाइज वी कैन रीड कॉमा एंगल AMC इज एक्यूट एंगल. ओके, देन दिस ट्राइंगल इज लाइक दिस AMC, and here is a perpendicular on D. So you can see M and C both angle are acute angle. Is it true? ये दिखाई दे रहा है आपको, ये दोनों angle acute ही है. तो आप वहाँ पर acute angle का जो example था first वाला, वो use कर सकते हैं. तो हमने अगर AM angle को consider किया है, तो देखिए AM angle के opposite side कौन सी है? AC square. So the formula was there, which angle we have considered, its opposite side AC square is equal to remaining both sides square sum of a triangle. So AM square plus MC square. After that, in acute angle we have to take here subtraction sign, minus 2 into the MC into DC or MD, MC into MD, like this we have to write. Okay, so it is the formula and it is from example number first of the application of Pythagoras theorem. तो ये जो formula है, ये जो consider हमने किया है, ये किस तरीके से मिला हमें? जो हमने एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में जो फर्स्ट एग्जांपल कंसिडर किया था, उसके हेल्प से. अब चाहे उसको एक बार रिवाइज कर सकते हो. तो देखिए पहले हमने ट्रायंगल कंसिडर किया था AMC, अभी हमें ट्रायंगल कंसिडर करना है AMB. क्यों कंसिडर करना है? क्योंकि यहाँ पे EM एंगल जो है AMB, ये ऑब्ट्यूज एंगल है. कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल, बिकॉज इट इज़ मोर देन 90 डिग्री. सो लेट्स सी, if we consider
ट्रायंगल ए एम बी विच हैज एंगल ए एम बी इज ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए एंगल जो ए एम बी है वो कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल है, और ऑब्ट्यूज एंगल होने की वजह से हम यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का सेकंड टर्म जो सेकंड फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हैं। तो ये जो ट्रायंगल है देखिए ए एम बी, ए बी एम, तो यहाँ पे ये ऑब्ट्यूज एंगल है। लेकिन हमें अगर यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज़ करना है तो यहाँ पे हमें वही एल्टीट्यूड जो हमने लास्ट डायग्राम में जो ड्रॉ किया है ए डी वो भी कंसिडर करना होगा। सो ओके इट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल। सो नाउ देयर आर टू ट्रायंगल एंड वी हैव लर्न इन प्रीवियस एग्जांपल कि इसको किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है, ये हमने सीखा भी है। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो देखो किस तरीके से आएगा, ए बी स्क्वेयर मतलब ऑब्ट्यूज एंगल के ऑपोजिट साइड इज इक्वल टू इस ट्रायंगल के जो रिमेनिंग दोनों साइड हैं इनका स्क्वेयर और सम, तो ए एम स्क्वेयर प्लस बी एम स्क्वेयर, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो यहाँ पे प्लस का साइन आता है, फिर 2 इंटू बी एम इंटू एम डी। सो लाइक दिस इट इज इक्वेशन सेकंड एंड दिस इज ऑल्सो कम बाय द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम सेकंड एग्जाम्पल। सो नाउ दिस टू इक्वेशन वी गॉट, इफ वी एड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, सो व्हाट विल बिकम, व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट इज देयर ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू एम स्क्वेयर प्लस एम सी स्क्वेयर माइनस टू इंटू एम सी इंटू एम डी, एंड इक्वेशन सेकंड इज देयर ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू एम स्क्वेयर प्लस बी एम स्क्वेयर प्लस टू बी एम इंटू एम डी। सो वाइल एडिंग बोथ इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू, दीज आर लेफ्ट हैंड साइड, इट इज़ लेफ्ट हैंड साइड ए बी स्क्वेयर एंड इट इज़ लेफ्ट हैंड साइड ए सी स्क्वेयर। नाउ राइट हैंड साइड ऑफ अ सेकंड इक्वेशन ए एम स्क्वेयर प्लस बी एम स्क्वेयर प्लस टू बी एम इंटू एम डी प्लस फर्स्ट इक्वेशन राइट हैंड साइड ए एम स्क्वेयर प्लस एम सी स्क्वेयर ए एम स्क्वेयर प्लस एम सी स्क्वेयर माइनस टू एम सी इंटू एम डी। सो लेट्स सी इन दिस इक्वेशन हियर इज अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट, इसके अंदर एक बहुत बढ़िया इम्पोर्टेंट पार्ट है वो जो है देखिए हमें क्वेश्चन में जो गिवन था कि बी एम और एम सी ये दोनों लाइन्स इक्वल हैं, क्यों इक्वल है, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी सेगमेंट, सो वी कैन राइट हियर बी एम इज इक्वल टू एम सी, इट इज़ गिवन इन फिगर। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव टू प्रूव, बेटर वी हैव विच वी हैव टू प्रूव दैट वी कैन कंसिडर। सो इन आर सेग इन प्रूव देर इज़ अ नीड ऑफ बी एम, सो वेर एवर द एम सी सेगमेंट एम सी डिस्टेंस एट दैट प्लेस वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ बी एम, सो वट विल बिकम सी इन द अबव इक्वेशन इफ वी पुट वेर एवर द एम सी एट दैट प्लेस वी कैन पुट ईजिली बी एम, हम पुट कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, बिकॉज दोनों सेगमेंट एक दूसरे को इक्वल है। तो देखिए फिर क्या होगा, ए बी स्क्वेयर एज इट इज प्लस ए सी स्क्वेयर एज इट इज इक्वल टू ए एम स्क्वेयर एज इट इज रहेगा प्लस बी एम स्क्वेयर भी एज इट इज रहेगा, तो देखिए प्लस टू बी एम इंटू एम डी, तो यहाँ पे बी एम इंटू एम डी है तो एम सी नहीं आएगा, तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा टू बी एम इंटू एम डी, उसके बाद प्लस
एम स्क्वेयर है तो एज इट इज रहेगा, प्लस एम सी स्क्वेयर, तो एम सी के प्लेस पे हम क्या रखेंगे बी एम, सो बी एम स्क्वेयर माइनस टू एम सी, एम सी की जगह पे हम क्या रखेंगे बी एम इंटू एम डी एज इट इज। सो नाउ यू कैन सी इजीली, अभी आप देख सकते हैं, देखिए ये एम प्लस ए एम स्क्वेयर है, ये भी प्लस ए एम स्क्वेयर है, तो टू टाइम ए एम स्क्वेयर है, तो क्या आएगा फिर आंसर अपना टू टाइम ए एम स्क्वेयर। उसके बाद ए बी बी एम स्क्वेयर है, ए बी बी एम स्क्वेयर है, दोनों पॉजिटिव है, तो प्लस ये क्या आएगा टू बी एम स्क्वेयर। ये देखिए प्लस टू बी एम इंटू एम डी है, ये माइनस टू बी एम इंटू एम डी है, तो प्लस माइनस क्या होता है कैंसिल हो जाता है, फिर रहा क्या है राइट हैंड साइड दिस और लेफ्ट हैंड साइड इज रिमेन ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर। तो इस तरीके से देखिए बच्चों, ये अपोलिनियस थ्योरम जो है हमने प्रूव कर लिया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रूव हमने कर लिया है अल्फ़ाबेटिकली, लेकिन हर वक्त ट्रायंगल में यही अल्फ़ाबेट आएंगे ये तो नहीं है फिक्स, तो उसे अगर हमें समझना है अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि हमें अगर कहीं पे भी ये क्वेश्चन अगर आ रहा है तो हम उसे किस तरीके से यूज़ कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले ये आपको समझना है कि ये डायग्राम, देखिए आपको इस तरीके की अगर डायग्राम दी गई है और आपको कोई वैल्यू फाइंड करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए आपको ये डायग्राम ये सेगमेंट नहीं दिए, सोचो तो आपको दिया गया है ए बी सी ट्रायंगल और मिड पॉइंट ऑफ यम, तो आप सोचिए यम पॉइंट अगर मिड है तो ये एक एक्यूट एंगल है और एक ऑब्टस एंगल है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है सबसे बेहतर बात है, देखिए जिस लाइन पर पॉइंट है उस सेगमेंट को छोड़कर जो रिमेनिंग टू सेगमेंट है उनका स्क्वेयर प्लस सम है, मतलब उनके स्क्वेयर का सम है, जैसे कि ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू, अभी राइट हैंड साइड में क्या है देखिए, जो मीडियन आपने ड्रॉ किया है ए एम उसका टू टाइम स्क्वेयर मतलब टू टाइम ए एम स्क्वेयर, और ये तो सच है कि एम सी और बी एम दोनों इक्वल है, तो आप चाहे एम सी यूज़ कर सकते हैं चाहे बी एम यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसको प्लस टू बी एम स्क्वेयर लिख सकते हैं, मतलब आपको ये डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है। चलो देखिए अभी मैं और एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, आई होप वो एग्ज़ाम्पल आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे, तो होमवर्क के लिए आपको एग्ज़ाम्पल है, तो देखिए मैं आपको सिर्फ डायग्राम दे रहा हूँ, आपको प्रूव करना है और मुझे वो व्हाट्सएप पे सेंड करना है। सो पी क्यू एस आर, पी क्यू आर इट इज़ वन ट्रायंगल, नियस इज द मिड पॉइंट ऑफ ऑन सेगमेंट साइड क्यू आर, सो यू हैव टू प्रूव हियर पी क्यू स्क्वेयर प्लस पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू टू टाइम पी एस स्क्वेयर प्लस टू टाइम क्यू एस स्क्वेयर एंड इट इज़ यू हैव अ होमवर्क, सो आई होप यू एवरीबडी शुड प्रूव इट एंड सेंड मी। So this is a Apollonius theorem and it is very important for us, ये theorem हमें exam में 2 marks के लिए या फिर 3 marks के लिए पूछा जाता है, लेकिन इसके ऊपर जो question आता है वो भी 3 marks के लिए आता है या फिर complete the following activity के लिए आता है। तो देखिए student, आपको ये theorem समझ में आया होगा, अगर नहीं भी आया है तो please comment में मुझे सेंड कीजिए, ओके, सो आई हु ट्राई टू गिव यू मोस्ट इट्स करेक्ट आंसर, थैंक यू। देखिए जिस तरह से हमने अपोलोनियस थ्योरम लर्न किया है, हमें उसके ऊपर और एक दो एग्जांपल अगर ले लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से और भी वो समझ में आ जाएगा कि अपोलोनियस थ्योरम का यूज़ क्या है। तो चलिए हम उसमें एक एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल ऑन अपोलोनियस थ्योरम, we have to write in the figure segment PM is a
median of triangle PQR dot PM is equal to 9 and PQ square plus PR square is equal to 290, comma, then find QR. And so you have given the figure also, because जब question में in the figure रहता है तो आपको figure दी जाती है. तो आपको जो figure दी गई है वो इस तरह से है. देखिए ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, और एम जो है वो मिड पॉइंट है, और क्यू एम और पी एम आर दोनों सेगमेंट इक्वल हैं, और पी एम की वैल्यू आपको दी गई है 9, और पी क्यू और पी आर स्क्वायर भी दिया है. तो देखिए ये है अपोलोनियस थ्योरम. क्या है अपोलोनियस थ्योरम? कैसे अंडरस्टैंड होगा, कैसे समझ में आएगा? सिंपल बात है, जिस ट्रायंगल में मीडियन होगी और जो एक सेगमेंट है जो इक्वल डिवाइड होगी, तो वहाँ पे हमें डायरेक्टली विदाउट हेजिटेटिंग हमें डायरेक्ट वहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम यूज़ करना है. एंड वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे हमें कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिया है, तो हम वहाँ पे तो पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाएंगे, और न ही कोई भी हम फॉर्मूला यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन भी नहीं यूज़ कर पाएंगे. तो वहाँ पे ऑप्शन है वो है अपोलोनियस थ्योरम. तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरीके से आएगा. सो यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम, देन व्हाट इज अपोलोनियस थ्योरम यू इन दिस ट्रायंगल. देखो मैंने आपको अबव एक्सप्लेन करते हुए थ्योरम बताया था कि हर एक ट्रायंगल के अल्फाबेट सेम नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे, लेकिन हमें ये समझना है कि उस ट्रायंगल में वो जो जिस साइड है, जिस साइड पे मेडियन है, उस साइड छोड़कर जो रिमेनिंग टू साइड है उनका स्क्वायर का सम है. मतलब यहाँ पे देखिए क्या है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, उसके बाद जो मेडियन है उसका टू टाइम पी एम स्क्वायर, मतलब मेडियम्स का स्क्वायर, प्लस टू टाइम द रिमेनिंग जो साइड है उसमें की एक सेगमेंट, कोई भी एक सेगमेंट आप कंसिडर करके टू टाइम एम आर स्क्वेयर. इस तरीके से आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, और इस तरीके से आपको इस फॉर्मूले को या इस थ्योरम को याद रखना है. तो देखिए आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, एम पी एम है और पी क्यू स्क्वेयर प्लस पी आर स्क्वेयर गिवन है. तो इन दोनों की, मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो गिवन है, इतनी है 290 इज इक्वल टू टू, पी एम की वैल्यू जो है वो 9 है उसका स्क्वेयर है, प्लस 2 इंटू एम आर एज इट इज़ एम आर स्क्वेयर रहेगा. तो देखिए 290 है, यहाँ पे 2 इंटू 9 का स्क्वेयर है, लेकिन ये जो वैल्यू है इधर प्लस है, इधर आने के बाद क्या होगी माइनस. तो 290 माइनस ये 2 एज इट इज़ रहेगा इंटू 9 का स्क्वेयर कितना होता है 81 इज इक्वल टू ये जो है 2 एम आर स्क्वेयर एज इट इज़ रहेगा. तो देखिए 290 इंटू माइनस 2 इंटू 81, 2 वन ज़ा 2, 2 एट ज़ा 16, 162, और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आता है तो क्या होता है डिवाइड में आ जाता है, तो रिमेनिंग इधर क्या रहा सिर्फ एम आर स्क्वेयर. सो देखिए अभी 290 माइनस 162 इसका सब्सट्रैक्शन करना है, तो ज़ीरो में से 2 नहीं जाते, तो 10 में से 2 गए तो बचेंगे 8, फिर 9 में से हमने इधर बोरो 1 किया तो 8, 6 8 में से 6 गए तो 2, ओके, और फिर 2 में से 1 गया तो 1, और अपॉन का 2 इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर. सो सी 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर. एंड आफ्टर दैट देखिए यहाँ पे स्क्वेयर है, यहाँ पे 64 है, हमें सिर्फ एम आर की वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, टेकिंग स्क्वेयर रूट बोथ साइड, दोनों साइड को हमें क्या लेना होगा स्क्वेयर रूट लेना होगा. तो अगर हम दोनों साइड्स को स्क्वेयर रूट लेंगे तो क्या होगा, देखिए
square root 64 is equal to square root as mr square. So square and square root get cancel, 64 का square root आता है 8, तो mr की value आई 8. तो देखिए mr is equal to 8. But what we have to find, हमें find क्या करना है, हमें find करना है qr. qr मतलब a total length. तो mr मतलब one segment we got, और mr और qm ये दोनों जो segment है वो equal है. तो qm का जो आएगा segment वो क्या आएगा, qm is equal to qm और mr, ये दोनों segment एक दूसरे को equal है. तो qr is equal to qm plus mr, और qm और mr दोनों की वैल्यू कितनी है 8. सो qr is equal to qm is 8 एंड mr also 8, देन qr is equal to 8 plus 8 16. सो लाइक दिस वी गॉट द वैल्यू ऑफ qr. सो मुझे लगता है आपको अपोलोनियस थ्योरम समझ में आया होगा विद दिस एग्जांपल. ओके, तो शैल वी स्टॉप हियर, हैव अ नाइस टाइम एवरीबॉडी.